हिंदुस्तान में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन काल था। औरंगजेब ने यह हुक्म किया कि कोई हिंदू राज्य के कार्य में किसी उच्च स्थान पर नियुक्त न किया जाए तथा हिंदुओं पर अधिक से अधिक कर लगाया जाए। उस समय अनेकों कर केवल हिंदुओं पर लगाए गए। इस भय से अनेकों हिंदू मुसलमान हो गए। हर और जुल्म का बोलबाल था। निर्दोष लोग बंदी बनाए जा रहे थे। प्रजा को अपने धर्म पालन करने की आजादी नहीं थी। जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। किसी की भी धर्म, जीवन, संपत्ति सुरक्षित नहीं रह गई थी। पाठशालाएं जबरन बंद कराई जा रही थी। हिंदुओं के पूजा आरती तथा अन्य सभी धार्मिक कार्य बंद होने लगे। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। अनेकों धर्मात्मा मरवा दिए गए। सिपाही यदि किसी के शरीर पर यज्ञोपवीत या किसी के मस्तक पर तिलक लगा हुआ देख ले तो शिकारी कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ते थे। उसी समय की उक्ति है कि रोजाना सवा मन यज्ञोपवीत उतराकर ही औरंगजेब रोटी खाता था। उस समय कश्मीर के कुछ पंडित निराशितों के आश्रय, बेसहारों के सहारा गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद की आशा और विश्वास से पहुंचे। पंडित कृपा राम ने गुरु तेग बहादुर जी से कहा, हे सदगुरुदेव, औरंगजेब हमारे ऊपर बड़े अत्याचार कर रहा है। जो उसके कहने पर मुसलमान नहीं हो रहा है उसका वह कत्ल कर दे रहा है। हम उससे 6 माह की मोहलत लेकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं, पर अब ऐसा लगता है हम में से कोई बच नहीं पाएगा। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो धर्म परिवर्तित कर दें या अपना सिर कटवा लें। तभी दूसरे पंडित, जिनका नाम धर्मदास था, उन्होंने श्री सदगुरुदेव से कहा, हे सदगुरुदेव, हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी हम चुप हैं और हम सब कुछ सह रहे हैं। कारण भी आप जानते हैं, हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं। अन्याय के सामने कौन खड़ा हो, जीवन की बाजी कौन लगाए। जब श्री गुरुदेव तेग बहादुर जी ने यह बात सुनी तब उनके मुख से कुछ स्वर फूटे। फिर वे गुरु नानक देव की पंक्तियां दोहराने लगे, जे तो प्रेम रखण जी चा सिर धर तली गली मेरे आओ। गुरु तेग बहादुर जी का स्वर गंभीर होता जा रहा था। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ गहरा आश्वासन झांक रहा था। वे बोले, पंडित जी, यह भय शासन का है, उसकी ताकत का है, पर इस भारी भय से कई अधिक भय हमारे मन का है। हमारी आत्मिक शक्ति दुर्बल हो गई है, हमारा आत्मबल नष्ट हो गया है। इस बल को प्राप्त किए बिना यह समाज भय मुक्त नहीं हो पाएगा, और बिना भय मुक्त हुए यह समाज अन्याय और अत्याचार का सामना नहीं कर पाएगा। तब पंडित कृपाराम कहने लगे, हे सदगुरुदेव, सदियों से विदेशी पराधीनता और आंतरिक कलह में डूबे हुए इस समाज को भय से छुटकारा किस प्रकार मिलेगा। तब गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे, हमारे साथ सदा बसने वाला परमात्मा ही हमें वह शक्ति देगा, हम निर्भय होकर अन्याय का सामना कर सकेंगे। उनके मुंह से यह शब्द फूटने लगे, पतित उदाहरण हे हरन हरि अनाथ के नाथ, कहो नानक तेह जानिए सदा बसत तुम साथ। इसी बीच 9 वर्ष के बालक गोविंद भी पिता के पास आकर बैठ गए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, अंधेरा बहुत घना है, प्रकाश भी उसी मात्रा में चाहिए। एक दीपक से अनेक दीपक जलेंगे, यह एक जीवन की आहुति अनेक जीवनों को इस रास्ते पर लाएगी। तब पंडित कृपाराम कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने क्या निश्चय किया है, यह ठीक ठीक
हमारी समझ में नहीं आ रहा है, यह भी बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तब श्री गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, पंडित जी, भयग्रस्त और पीड़ितों को जगाने के लिए आवश्यक है कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान दे जिसके बलिदान से लोग हिल उठें, जिससे उनके अंदर की आत्मा चित्कार कर उठे। और मैंने निश्चय किया है कि समाज की आत्मा को जगाने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्राण दूंगा और फिर सिर देने वालों की एक श्रृंखला बन जाएगी। लोग हंसते हंसते मौत को गले लगा लेंगे। हमारे लहू से समाज की आत्मा पर चढ़ी कायरता और भय की काई धुल जाएगी। और तब पास में बैठे गोविंद सिंह जी, जिनकी अवस्था 9 वर्ष की थी, कहने लगे, तब शहीदों के लहू से नहाई हुई तलवारें अत्याचार का सामना करने के लिए तड़प उठेंगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का हृदय द्रवीभूत हो उठा। वे बोले, जाओ तुम लोग बादशाह से कहो कि हमारा पीर तेग बहादुर है, यदि वह मुसलमान हो जाए तो हम भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। पंडितों ने यह बात कश्मीर के सूबेदार शेर अफगन को कही। उसने यह बात औरंगजेब को लिखकर भेज दी और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाकर बंदी बना लिया और उनके साथ उनके महान शिष्य मतीदास, दयालदास और सतीदास को अपने यहाँ बंदी बना लिया और उनसे कहा, यदि तुम लोग इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। तब मतीदास ने कहा, हे मूढ़ राजा, यह शरीर तो नश्वर है और आत्मा का कभी कत्ल नहीं होता है। तब औरंगजेब को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, इस मतीदास के शरीर को आरे से चीर दो। तब भाई मतीदास के सामने जल्लाद आरा लेकर खड़ा हो गया और उधर काजी ने पूछा, मतीदास तेरी अंतिम इच्छा क्या है? और मतीदास ने कहा, अगर मेरी अंतिम इच्छा पूछते हो तो मेरी एक ही इच्छा है, जब मेरा शरीर आरे से चीरा जाए तो मेरा मुंह गुरुजी के पिंजरे की ओर होना चाहिए। तब काजी कहने लगा, यह तो हमारा पहले से ही विचार है कि सब सिखों का गुरु के नजरों के सामने ही कत्ल किया जाएगा। भाई मतीदास को एक शिकंजे में दो तख्तों के बीच बांध दिया गया। दो जल्लादों ने आरा सिर पर रखकर चीरना शुरू किया। उधर भाई मतीदास जी ने श्री जपजी साहेब का पाठ शुरू कर दिया। उनका शरीर दो टुकड़ों में कटने लगा। चौक को घेर कर खड़ी विशाल भीड़ फटी आंखों से यह दृश्य देखती रही। दयालदास बोले, औरंगजेब, तूने बाबर वंश को एवं अपनी बादशाही को चीरवाया है। यह सुनकर औरंगजेब ने दयालदास को गरम तेल में उबालने का हुक्म दिया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए। फिर उन्हें उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर उबाला गया। वह अंतिम सांस तक जपजी साहब का पाठ करते रहे। जिस भीड़ ने यह नजारा देखा उसकी आंखें पथरासी गई। तीसरे दिन काजी ने भाई सतीदास से पूछा, क्या तुम्हारा भी वही फैसला है? भाई सतीदास मुस्कुराए, मेरा फैसला तो मेरे सतगुरु ने कब का सुना दिया था। बड़े धन्य हैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने धर्म के लिए अपनी बाजी को दांव पर लगा लिया। औरंगजेब ने सतीदास को जिंदा जलाने का हुक्म दिया। भाई सतीदास के सारे शरीर को रुई से लपेट दिया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। सतीदास निरंतर श्री जपजी साहब का पाठ करते रहे। शरीर धू धू कर जलने लगा और उसी के साथ भीड़ की पथराई आंखें पिघल उठी और मन चित्कार से भर उठा। औरंगजेब को कहने लगी, हे दुष्ट, हे अधम, धिक्कार है तुझे, ऐसे महान आत्माओं को तूने सजा दी है, इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। अगले दिन मार्गशीर्ष पंचमी संवत 1732 22 नवंबर 1675 को काजी ने गुरु तेग बहादुर से कहा, हे हिंदुओं के पीर, तीन बातें तुमको सुनाई जाती हैं, इनमें से कोई एक बात स्वीकार कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, या तो करामात दिखाओ या तीसरी बात है मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु तेग बहादुर मुस्कुराते हुए बोले, तीसरी बात स्वीकार है,
फिर क्या था, जालिम और पत्थर दिल काजियों ने औरंगजेब की ओर से कत्ल का हुक्म दे दिया। चांदनी चौक के खुले मैदान में विशाल वृक्ष के नीचे गुरु तेग बहादुर समाधि में बैठे हुए थे। तभी जल्लाद जलालुद्दीन नंगी तलवार लेकर खड़ा था। कोतवाली के बाहर असंख्य भीड़ उमड़ रही थी। शाही सिपाही उस भीड़ को काबू में रखने के लिए डंडों की तीव्र बौछारें कर रहे थे। शाही घोड़सवार घोड़े दौड़ाकर भीड़ को रोंद रहे थे। काजी के इशारे पर गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। चारों ओर कोहराम मच गया। धर्म हेत इतनी जिन करी, शीश दिया पर सी न उजरी। धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने धर्म में अड़िग रहने के लिए एवं दूसरों को धर्मांतरण से बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की भी बलि दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भगवत प्राप्त महापुरुष परमात्मा के नित्य अवतार हैं। वे नश्वर संसार व शरीर की ममता को हटाकर शाश्वत परमात्मा में प्रीति कराते हैं, कामनाओं को मिटाते हैं, निर्भयता का दान देते हैं, साधकों भक्तों को ईश्वरीय आनंद व अनुभव में सरोवर करके जीवन मुक्ति का पथ प्रदर्शित करते हैं। ऐसे उदार हृदय करुणाशील धैर्यवान सत्पुरुषों ने ही समय समय पर समाज को संकटों से उबारा है। इसी श्रृंखला में गुरु तेग बहादुर हुए जिन्होंने ही बुझे हुए दीपकों में सत्य की ज्योति जगाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भारत को क्रूर आतताई धर्मांध राज्य सत्ता की दासता की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। नमन है ऐसे महावीर श्री गुरु तेग बहादुर जी को, मतीदास जी को, दयालदास जी को और सतीदास जी।